एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। तो गाइस, वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के बारे में। बेसिकली हमने डिस्कस करा था स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। दोनों में हमने डिफरेंस देखा था, उनकी नंबर नंबर रेंज जो है डिफरेंट रहती है, और हमने एक्सटेंडेड और एक्सेस सॉरी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशंस भी देखी थी। तो वो सारी चीजें देखी थी हम। और मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूँ तो ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट से ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि इस पे काफी सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे फिल्टरिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने तीन डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क लिए हैं और तीनों नेटवर्क पे मैंने डिफॉल्ट राउटिंग कर दिया है। ठीक है गाइज, आपको मतलब सॉरी आपको फिल्टरिंग करने से पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, राउटिंग तो करवानी पड़ेगी, अदरवाइज तो जो भी आपका पैकेट है वो सेंड ही नहीं होगा, पिंग नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको कोई भी आप चाहे तो डिफॉल्ट राउटिंग या फिर स्टैटिक राउटिंग ले सकते हैं, डायनेमिक राउटिंग ले सकते हैं, व्हाट एवर यू वॉन्ट आप कर सकते हैं, आप कोई भी राउटिंग चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फिगर कर दिया है, और बेसिक जो भी लाइक इंटरफेस इंटरफेसिस को आईपी मैंने यहाँ पे पहले ही दे दिया। तो हम सीधा एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस मेंशन कर देती हूँ। ये हमारा आईपी इस पीसी के लिए हमारा रहेगा। और सर्वर के लिए हमारा है, एक बार मैं चेक भी कर लूंगी, और यहाँ पे हमारा है 192.168.1.3, और सर्वर पे हमारा है, आप चाहे तो हर एक पे सर्वर ना ले, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखते हैं, मैं यहाँ पे लेती हूँ 4। यहाँ पे मैंने वैसे पहले से आईपी दे रखे, मैं आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा दूंगी। और ये हमारा 170, कोई चेंज रहा तो वो भी देख लेंगे। यहाँ पे मैंने दिया 2, और अब मैं आपको शो करती हूँ। ये हमारा PC0 और इसके आईपी देखो 10.10.0.0.3, गेटवे यहाँ पे .1 का रह गया। और अपने सर्वर पे चलते हैं, सर्वर का आईपी देखेंगे। सर्वर का आईपी हमारा 10.0.0.5 एंड गेटवे हमारा है 10.0.0.1। और यहाँ हमारे दूसरे नेटवर्क पे चलते हैं, यहाँ भी आईपी देखेंगे। यहाँ आ गया, ये मैंने दे रखा है 170.16.0.2 और गेटवे हमारा 0.1। सर्वर पे ओके, सर्वर का देखा हमने, PC1 का देखते हैं। PC1 पे क्या है, 0.3 है। ओके, और हमारे PC2 पे चलते हैं, ये हमारा 1.3 मैंने यहाँ पे दे रखा है, बेसिकली 192.168.1.3, यहाँ पे 1.4। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है गाइस, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमको करनी पड़ेगी, ये मैंने पहले ही कर दिया है। तो चलते हैं, अब मेरे को एक्सेस लिस्ट कहाँ पे लगानी है, मैं यहाँ बीच वाले राउटर पे लगाऊंगी। ठीक है, मैं इस राउटर पे चलती हूँ और यहाँ पे हम एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सॉरी, उससे पहले कॉन्फिगर टर्मिनल, और अब हम क्या करेंगे, एक्सेस लिस्ट यहाँ पे कॉन्फिगर करेंगे। ठीक है, एक्सेस लिस्ट कैसे कॉन्फिगर करेंगे, एक्सेस लिस्ट, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो एक्सटेंडेड के लिए भी है और स्टैंडर्ड के लिए भी है। हम एक्सटेंडेड की कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे नंबर लेती हूँ 111। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, परमिट करना है, डिनाई करना है, तो मैं यहाँ पे डिनाई चूज करती हूँ पहले। ठीक है, और उसके बाद कौन सी सर्विस हमको यहाँ पे मतलब TCP जो भी है हमारा, TCP को हमको रोकना है, मतलब जो TCP का ट्रैफिक है, तो मैं यहाँ पे TCP वाला ही चूज कर रही हूँ। और आप चाहे तो कोई भी यहाँ पे प्रोटोकॉल चूज कर सकते हैं जिसका ट्रैफिक आप रोकना चाहते हैं। ठीक है,
और फिर यहाँ पे आपको होस्ट देना है, सोर्स होस्ट का नंबर, सॉरी क्या देना है, आईपी एड्रेस देना है। तो मैं सोर्स होस्ट का यहाँ पे दे रही हूँ 10.0.0.3 मैं यहाँ पे देती हूँ, और नहीं मैं यहाँ पे देती हूँ 0.5 का देती हूँ, ठीक है। 10.0.0.5 का यहाँ पे मैंने दिया। और अब मुझे किसका देना है, मुझे अपने डेस्टिनेशन के लिए देना है, ठीक है। डेस्टिनेशन के लिए देखो, डेस्टिनेशन को हम आईपी एड्रेस बेसिस पे रोक सकते हैं, ठीक है। एनी डेस्टिनेशन होस्ट के बेसिस पे रोक सकते हैं, ठीक है। और मैच ओनली पैकेट्स ऑन अ गिवन पोर्ट नंबर, अगर हमें किसी स्पेसिफिक पोर्ट नंबर को रोकना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और होस्ट बेसिस पे तो है ही, ठीक है। हम क्या देखते हैं, डेस्टिनेशन का स्पेसिफिक होस्ट को अगर हमें रोकना है, उसके ट्रैफिक को रोकना है, तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब सॉरी काफी सारे पैरामीटर्स हैं, वो हम चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे होस्ट बेसिस पे कर रही हूँ, मैं होस्ट को यहाँ पे रोकूंगी, ठीक है। होस्ट का आईपी मैं यहाँ दूंगी, तो हमने यहाँ पे सर्वर का डाला है, यहाँ पे मैं डालती हूँ 192.168.1.3 मैंने डाला। और मैं यहाँ पे ना चेंज कर देती हूँ, क्या अपनी जो एक्सेस लिस्ट है ना, इसका नेम चाहे तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे ही रखते हैं। और ये मैंने करा, और देन मैं यहाँ पे करती हूँ क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहीं तक छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम और भी यहाँ पे रेंज दे सकते हैं। रेंज किसके लिए, रेंज ऑफ पोर्ट नंबर्स, और भी यहाँ पे प्रेसिडेंस, और ये काफी सारे पैरामीटर्स हैं। मैं यहाँ इसको इतने वही छोड़ती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने करा, अब ये तो हो गया जाने के लिए, ठीक है। आते वक्त भी मतलब चाहिए, ठीक है, आते वक्त के लिए भी लगाते हैं यहाँ पे। आप चाहे तो लगा सकते हो, नहीं तो नहीं भी, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ आगे। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी एक्सेस लिस्ट के परमिट के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिनाई के लिए करा है, अब मैं परमिट के लिए यूज करती हूँ परमिट। और उसके बाद देखेंगे, परमिट हमने टीसीपी के लिए लगाया है, उसी के लिए हम अलाउ भी कर देंगे। और मैं यहाँ पे एनी एनी कर देती हूँ, ठीक है। जो हमने स्पेसिफिक आईपी के लिए डिनाई करा है, उसको छोड़ के कोई भी यहाँ पे पिंग कर पाए, ठीक है। एनी एनी मैंने करा, और यहाँ से मैं करती हूँ एग्जिट। और अब मैं क्या करती हूँ, कॉन्फ टी, और इंट, कौन से इंटरफेस पे लगाना चाहती हूँ, मैं इंटरफेस लगाऊंगी GIG 0/1 पे लगाती हूँ, GIG 0/1। और यहाँ पे मैं लगाऊंगी आईपी एक्सेस ग्रुप, और हमारे ग्रुप का नेम जो था, और इनबाउंड के लिए लगाना है, आउटबाउंड के लिए लगाना है, तो मैं यहाँ पे आउटबाउंड के लिए लगा रही हूँ और एंटर करती हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हम पिंग हो पाएंगे, क्या हम पिंग कर पाएंगे, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, पिंग करा के देखते हैं। तो चलते हैं अपने सर्वर की तरफ, और हम लेते हैं, अब यहाँ पे हम पिंग करेंगे, ठीक है। पिंग किसके साथ करेंगे, 192.168.1.3 के साथ पिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अपने सर्वर से भी, अपने सर्वर को एक एक से और पिंग करा के देखते हैं। देखो यहाँ पे हम करते हैं 1.4 कर देती हूँ, ओके, होस्ट अनरीचेबल, ओके। और यहाँ से भी हम पिंग करके देखते हैं, यहाँ से हम पिंग करेंगे 10.0.0.3 में यहाँ कर देती हूँ, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो ये हमने जो जो भी हमने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट पे फिल्टरिंग करी थी, इसकी वजह से हो रहा है। अब मैं आपको शो करती हूँ, अगर मैं वो एक्सेस लिस्ट को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, एक्सेस लिस्ट को यहाँ से हटाऊंगी, अपने एक्सेस लिस्ट पे जो भी हमने रूल्स लगाए हैं उसको हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ये पिंग होगी, ठीक है। तो ये देखते हैं, मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ, ये मैंने हटा दिया, और साथ ही मैं क्या हटाती हूँ,
परमिट आने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। डिनाई वाला मैंने यहाँ पे रूल हटाया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्या करती हूँ, पिंग करके देखती हूँ, ठीक है। अपने पिंग यहाँ पे मैं लगाती हूँ 10.0.0.3, सॉरी 0.5। देखो अब ये रिप्लाई आना शुरू हो गया। देखो मैंने वहां पे क्या करा, अपना रूल हटाया, ठीक है। नो करते के साथ मैंने एक्सेस लिस्ट को वहां पे नो किया, तो यहाँ पे ये पिंग होना शुरू हो गया, ठीक है, रिप्लाई आना शुरू हो गया। लेकिन पहले क्या हो रहा था, होस्ट अनरीचेबल आ रहा था, है ना। तो हम अपने सर्वर से भी यहाँ पे देख लेते हैं पिंग करके। तो यहाँ पे भी देखो गाइज ये रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और मैंने एक्सेस सॉरी एक्सटेंडेड अपनी एक्सेस लिस्ट लगा रखी थी, तो यहाँ पे होस्ट अनरीचेबल दिखा रहा था, आप देख सकते हैं। और अगर मैंने उसको हटा दिया तो यहाँ पे रीचेबल हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइज एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। सो थैंक यू गाइज।